हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवलिंग बिट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर पे निकल पड़े हैं। कर्नाटका के वैशाला मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, पर इनमें कुछ चुनिंदे मंदिर बेलूर, हालेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों को ही टूरिस्ट सर्किट में दिखाया जाता है। इनके अलावा सैकड़ों वैशाला मंदिर हैं जो नॉर्मल टूरिस्ट सर्किट के लिस्ट में नहीं आते हैं। आज हम उन मंदिरों को देखेंगे जो नॉर्मली आपके टूरिस्ट सर्किट लिस्ट में नहीं होते हैं, बट हिस्टोरिकली एंड आर्किटेक्चरली उतने ही सिग्निफिकेंट है। आपने अगर ट्रैवलिंग बिट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाए फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए तो फिर वैशाला टेम्पल टूर शुरू करते हैं हसन डिस्ट्रिक्ट के नुगेहल्ली गाँव में सदाशिवा टेम्पल के साथ। इस मंदिर को वैशाला साम्राज्य के एक सेनापति बम्मन्ना दंडनायका ने बनाया था 1249 में। सदाशिवा मंदिर को नगरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। इस मंदिर में आपको नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल और साउथ इंडियन वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। इस मंदिर में आपको शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्ति और वैदिक देवताओं को एक साथ देखने को मिलेगा। इस मंदिर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मंदिर के प्रधान देवता देवों के देव महादेव हैं। आज सोमवार है और एक छुट्टी का दिन है, फिर भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ टूरिस्ट का कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं होता है। मंदिर तो नॉर्मली खुला रहता है, पर दर्शन का टाइमिंग्स स्क्रीन पे दिया हुआ है और उसको नोट करिएगा। अब मेन मंदिर के दरवाजे का वास्तुकला को देखिए, अद्भुत के अलावा आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। चलिए अब मंदिर को बाहर से देखते हैं। बैंगलोर से हम सुबह करीबन 7:30 बजे रवाना हो गए और ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक कार हायर करी थी। बैंगलोर से नुगेहल्ली जैसे ग्रामीण स्थान में जाने के लिए डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं है। KSRTC बस द्वारा नुगेहल्ली जाने के लिए आपको पहले हसन या मैसूर जाना होगा। अगर बजट इशू नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना प्राइवेट व्हीकल लेना ही बेहतर है। आइए इस मंदिर के कुछ बेहतरीन पिलर्स को देखते हैं। इस पिलर को देखिए कैसे तराशा गया है इसको। हालांकि यह मंदिर पॉपुलर लिस्ट ऑफ टूरिस्ट सर्किट में नहीं आता है, पर इसका सौंदर्य और वास्तुकला सच में सुंदर और अद्भुत है। दोस्तों, ऑफ बीट होयसला टेम्पल टूर का पहला मंदिर कैसा लगा, आपके कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताइए। आपने अगर ट्रैवलिंग बिट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ट्रैवलिंग बिट्स चैनल में हम वैसे डेस्टिनेशंस को दिखाते हैं जो टिपिकल टूरिस्ट सर्किट में नहीं होते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है नुगेहल्ली के लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जो कि थोड़ा ही दूर में स्थित है। दोस्तों, हम नुगेहल्ली के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर पहुंच गए हैं। नुगेहल्ली तिप्तूर चन्नरैया पटना स्टेट हाईवे पर स्थित है और
हसन शहर से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाले बीड़ू, जहां पे होयसाला के एक विशिष्ट मंदिर स्थित है, वहां से नुग्गेहल्ली की डिस्टेंस करीबन 80 किलोमीटर होगी। आइए लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को पहले बाहर से देख लेते हैं। पत्थरों पर ये जो वास्तुकला है, मेरे को लगता है ये कहने में गलत नहीं होगा कि जैसे पत्थरों पे कविताएं लिखी गई है। नुग्गेहल्ली को 14th सेंचुरी से पहले विजया सोमनाथपुरा के नाम से जाना जाता था और शिक्षा के मामले में नुग्गेहल्ली का महत्व था। लक्ष्मी नारायणा मंदिर को भी होयसाला सेनापति बम्मन्ना दंडनायक ने बनाया था सन 1246 में। इस मंदिर का जो वास्तुकला है उसको त्रिकुटा कहते हैं, यानी इस मंदिर का 3 टावर्स है और मंदिर को बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल हुआ उसे सोपस्टोन कहते हैं। और जैसे नॉर्मली होयसाला मंदिरों में होता है कि उनकी मंदिरें एक जगत के ऊपर होता है, यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्हें बनाया जाता है, यानी जमीन को ऊंचा किया जाता है फिर उनके ऊपर मंदिरें बनाई जाती है। इस मंदिर में विष्णु के अवतार वेणुगोपाल, केशव और लक्ष्मी नरसिम्हा को पूजा जाता है। इस मंदिर में दो होयसाला शिल्पकार बाईचोजा और मलिटम्मा का शिल्पकारी आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं इस मंदिर का अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकारी को देखते हैं। कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं ये मंदिर आपको कैसा लगा। अगर आपने ट्रैवलिंग बिट्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें ऐसे हिडन जेम्स को बाहर लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आइए अब मंदिर के भीतर चल के दर्शन करते हैं।
नुग्गेहल्ली लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में इतना ही। जाने से पहले यहाँ पे हमें स्वादिष्ट प्रसाद भी मिला, देख लीजिए स्क्रीन पे है। दोस्तों हमारा अगला डेस्टिनेशन है मसाले नागेश्वरा और चनकेश्वर मंदिर। दोस्तों हम मसाले गांव पहुंच चुके हैं और आगे जो दिख रहा है वो नागेश्वरा और चनकेश्वर मंदिर है। नुग्गेहल्ली से मसाले गांव की दूरी करीबन 49 किलोमीटर है और ये दूरी आप करीबन एक घंटे में तय कर सकते हो। यहाँ पे एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे हिंदू धर्म के दो संप्रदाय शैविज्म और वैष्णविज्म को एक साथ में लाया गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सोसाइटी के इंटीग्रेशन का थीम बहुत पहले से चला रखा है। कहा जाता है ये मंदिर सन 1250 में बनाया गया था होयसाला राजा वीरावल्लाला टू के टाइम पे। ये दोनों मंदिर आकार में थोड़ा छोटा है पर मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा और हर एक इंच पे, मंदिर के हर एक इंच पे कुछ ना कुछ अद्भुत वास्तुकला है। मसाले गांव हसन शहर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके होयसाला मंदिर देखना चाहते हो हसन डिस्ट्रिक्ट में तो हसन शहर को आप अपना बेस बना सकते हो और यहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी KSRTC बसेस को यूज करके आप देख सकते हो। दोस्तों मसाले में इतना ही। अभी दोपहर का टाइम है और आगे हम लोग भोजन करने के लिए जाएंगे। हमारा कार ड्राइवर हाईवे पे एक उडुपी ग्रैंड होटल पे लेके गया। रेस्टोरेंट का खाना ठीक नहीं था, मैं सजेस्ट करता हूँ आप ये होटल अवॉइड करें। हाईवे में आपको बहुत सारा दूसरे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। दोस्तों हम अपने अगले डेस्टिनेशन डोड्डा गदवल्ली गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो मंदिर हम देखेंगे उसको डोड्डा गदवल्ली लक्ष्मी देवी मंदिर कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये मंदिर बहुत ही महत्व रखता है होयसाला राज्य के हिसाब से भी और होयसाला मंदिरों के हिसाब से भी, क्योंकि होयसाला साम्राज्य में ये पहला मंदिर बनाया गया था। और देखिए ये पहला मंदिर ही कितना सुंदर है। ये मंदिर 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसमें नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल वास्तुकला और होयसाला वास्तुकला आपको दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस मंदिर में आपको पुराना कनाडा में शिलालेख देखने को मिलेंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स के बीच में मुख्य मंदिर है और चारों कोने में चार छोटे मंदिर है। टोड्डा गदवल्ली गांव के इस लक्ष्मी देवी मंदिर में दूसरे देवताओं का मंदिर भी है, जैसे काली, दुर्गा, शिवा और विष्णु। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये मंदिर का वाटर आउटलेट है। जब भगवान को नहलाया जाता है तो वो पानी यहां से बाहर आता है।
दोस्तों, होयसाला साम्राज्य की पहली मंदिर कैसी लग रही है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आपको ये बता दें कि ये जो मंदिर है इसमें प्री होयसाला टाइप का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आर्किटेक्चर जो टिपिकल होयसाला आर्किटेक्चर है इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। होयसाला वास्तुकला का एक प्रधान विशेषता है जगती, यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिरों को बनाया जाता है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये कहने में गलत होगा, जब ये मंदिर बनाया गया था होयसाला वास्तुकला अपने प्रारंभिक अवस्था में था। हर एक वास्तुकला समय के साथ विकसित होता है और जो होयसाला साम्राज्य ने ये भिन्न भिन्न मंदिरें बनाई है उससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने भिन्न भिन्न स्टाइल और डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करा है। यह मंदिर एक मानव निर्मित झील के तट पर बनाया गया था। बाद में बाहर जाके मैं उस तरफ का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बता दूं, यह मंदिर उस समय के एक बिजनेसमैन कुल्हन्ना राहुटा और उनकी पत्नी सहजा देवी ने बनाया था राजा विष्णुवर्धन के समय में। इससे यह भी देखने को मिलता है कि राजा ने ही सब कुछ नहीं बनाया, समाज के दूसरे वर्गों ने भी योगदान दिया था। चलिए आपको मंदिर के भीतर का दृश्य दिखाते हैं और मंदिर के भीतर का दृश्य मुझे कुछ रहस्यमय लगा। मंदिर के भीतर जाते ही आपको दो द्वारपाल जैसे मूर्ति दिखाई देगा जो आपको काफी भयभीत कर सकता है। मंदिर के भीतर का जो वास्तुकला दिखा वो बहुत ही शानदार और उच्च स्तरीय का था। मंदिर के भीतर जो कैटेकर था उन्होंने मुझे बताया कि ये होयसाला साम्राज्य के सबसे प्रथम स्थापित मंदिर है और देखने से ये पता चलता है कि इस मंदिर में अभी भी पूजा अर्चना होता है, यानी ये एक लिविंग टेम्पल है। दोस्तों, अब हम झील की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे वहां से दृश्य कैसा दिखता है। और जैसा मैंने कहा, ये एक मानव निर्मित झील है और ये काफी बड़ा है। और जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहाड़ पे और एक मंदिर है और वहां पे विंडमिल्स भी है। पहले के काल में मंदिर के कार्य में यहाँ पे नहाना वगैरह होता होगा, बट अभी यहाँ पे नहाने लायक पानी तो नहीं दिख रहा है। झील के तट पर ये मैंने दूसरा होयसाला मंदिर देखा है और यहां से मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, टोड्डा गदबल्ली लक्ष्मी देवी मंदिर कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। हमारा अगला डेस्टिनेशन है श्री क्षेत्र पुष्पगिरी। दोस्तों, पुष्पगिरी नाम का एक देवस्थान और आश्रम मैप से पता चला है जो केदारेश्वर मंदिर जाने के रास्ते में ही आता है। इनके वेबसाइट से पता चला इस आश्रम का पूरा नाम है श्री क्षेत्र पुष्पगिरी और उनके वेबसाइट से यह भी पता चला कि इस मंदिर को होयसाला राज्य के रानी
श्री शांताला देवी ने बनाया था। तो मैंने बोला चलो जाके देख लेते हैं। मंदिर का वेबसाइट श्री क्षेत्र पुष्पगिरी .com कहता है श्री पुष्पगिरी महासंस्थान मठ का बहुत पुराना इतिहास है और ये करीबन 1000 साल का इनका कंटिन्यूअस ट्रेडिशन है। इस मंदिर का प्रधान देवता है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी और ये कहा जाता है कि ये मंदिर करीबन 900 साल पहले बनाया गया था वैशाला रानी शांताला देवी द्वारा। आइए मंदिर को घूम के देखते हैं। इस आश्रम के बहुत लंबे काल से पारंपरिक धर्म गुरु रहे हैं जो समाज कल्याण के कार्य में लगे रहे। यहाँ पे एक बड़ा आदि योगी का मूर्ति रखा गया है, चलिए उसको जाके देखते हैं। आदि योगी की बड़ा मूर्ति पॉपुलर सोच में सबसे पहले कोयंबतूर में आया, फिर बेंगलोर के नजदीक चिकबलापुर में आया और अभी मैं हसन डिस्ट्रिक्ट के पुष्पगिरी में भी देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं ये तीसरा आदि योगी की बड़ा मूर्ति है जो देख रहा हूँ। यहाँ से शाम का चारों ओर का दृश्य अच्छा ही लग रहा है। मैंने इनके वेबसाइट में पढ़ा यहाँ पे तीर्थ यात्रियों के लिए रहने का व्यवस्था है। चलिए अब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ से सूर्य अस्त का दृश्य दिख रहा है, चलिए आगे चलते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं। दोस्तों यहाँ से हम हालेबीरू के
केदारेश्वरा मंदिर के लिए निकलेंगे और यहां से वहां की दूरी करीबन 5 किलोमीटर की है। दिन ढल रहा है, चलिए जल्दी निकलते हैं। हले बीरू में हमारा पहला डेस्टिनेशन है जैन बसरी। यहाँ पे 3 जैन बसरी है जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और आदिनाथ को समर्पित है। अभी ये मंदिर बंद है। हाले बीरू में सारे मंदिर 5:30 बजे बंद हो जाते हैं और हमें यहाँ आने में देर हो गई। तो अगर आप यहाँ पे मंदिर देखने आ रहे हैं तो ये टाइम का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे शाम करीबन ढल चुकी है और दोस्तों जब आए ही है तो केदारेश्वरा मंदिर भी जाके देख लेते हैं जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में स्थित है। अंधेरा हो चुका है और इसी के साथ आज का होयसाला टेम्पल टूर समाप्त होता है। आप हमें जरूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा थ्रू योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ट्रैवलिंग बिट्स फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरीज।